पानीपत थर्मल पावर प्लांट से उड़ने वाली राख व सीमेंट फैक्ट्री से निकलने वाली धूल से लंबे समय से परेशान हैं खुकराना वासी, जिसको लेकर प्रशासन ने अब गांव को शिफ्ट करने का फैसला लिया था और सोंधापुर में स्थापित करने की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। लेकिन अभी भी कुछ गरीब लोगों को उनका आशियाना नहीं मिला है, जिससे लोगों में नाराजगी है। वीरवार को इस समस्या को लेकर खुकराना की महिलाएं उपायुक्त से मिलने पहुंची थी, लेकिन उपायुक्त के न होने के चलते उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। SDM ने उन्हें कल मीटिंग के लिए दोबारा बुलाया है। हमारी ये प्लाट काट दो, हमारी कीमत हुआ दे दो, अर्जी हमारे गाने परेशान करी मारी सुनाई अर्जी आज यू के एक महीना ही नीचा लेना SDM तो मिले जी ना कल मीटिंग खातर बुलाए और DCG हम ना मिले हाँ 5 साल हो गए जी धक्के खादी जनानिया ने के बाड़ा नहीं लगता के काम नहीं छुड़ता काम के गाली बका सो को हम सारी सुन रहे जी बड़े बड़े ना जी मकान ला लिए पानी तो तुम्हारे असोधा में गरीब सारे कड़ा जाऊंगे ये भी तो हमारे साथ है इनके बच्चे तो बढ़ो रहे इनके मकान पड़ो रहे। ये जो खुखड़ाना गांव है पानीपत शहर के अंदर थर्मल प्लांट के पास है, वहाँ सीमेंट की फैक्ट्री है और थर्मल की राखी पड़ती है। वहाँ बहुत लोग परेशान हैं, वहाँ पानी की समस्याएं हैं और सरकार द्वारा ये कहा गया था इनको हम इनका गांव शिफ्ट करेंगे। तो 5 साल हो गए, मोदी साहब से मेरी प्रार्थना है और CM साहब से DC साहब से प्रार्थना मेरी कि भाई इनकी समस्या सुलझाया जाए, क्योंकि 5 साल से गरीब लोग परेशान है। जो सेठ लोग हैं उन्होंने अपने मकान शिफ्ट कर लिए, अब बेचारे गरीब लोग कहाँ जाएंगे जिनके पास पैसे नहीं है। तो बस मैं तो ये कहना चाहूँगा भाई प्रशासन से, ये जो बुजुर्ग महिलाएं आई हैं ये हमारे लिए शर्म की बात है कि प्रशासन इनके पास जाना चाहिए, क्योंकि ये सीनियर सिटीजन है, ये हमारे शहर के मालिक है। जैसे राष्ट्रपति जो सबसे पहला है, जैसा राज्यपाल सबसे पहला प्रदेश का होता है, ऐसे शहर के सिटीजन सबसे पहले बुजुर्ग होते हैं। प्रशासन की हम निंदा करते हैं भाई, बुजुर्गों को यहाँ आना पड़ा। मेरी प्रार्थना यह है SDM साहब, DC साहब से, BDO साहब से कि वहाँ जाकर मौका देखा जाए और तुरंत प्रभाव से इनके जो है समस्या हल किया जाए। धन्यवाद। अर्थ प्रकाश के लिए पानीपत से मदन बरेजा की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।